नमस्कार दोस्तों, जय गो माता वंदे मातरम। आज हम आपसे बात करेंगे कि पुरुषों में शुक्राणु की कमी से कितनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। देखिए, शुक्राणु की कमी होने से कंसीव ना कर पाना तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर महिला प्रेग्नेंट होना चाह रही है पर कंसीव नहीं हो पाता है क्योंकि शुक्राणु की कमी है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें और है। अगर शुक्राणु की कमी है तो उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा डेडिकेटेड वीडियोज बनाई हुई है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक पे देख सकते हैं कि कैसे नेचुरल तरीके से शुक्राणु की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन शुक्राणु की संख्या के साथ साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए तो, यानी जो सेक्सुअल लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़े तो ऐसे में क्या करते हैं पुरुष कि इसके लिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, टैबलेट्स दे देते हैं। मार्केट में ना बहुत बड़ा मार्केट में समझ लीजिए कि हर तरह की टैबलेट्स आपके पास अवेलेबल होगी, क्या बढ़ाने के लिए, आपका सेक्सुअल टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए। अब इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कब पड़ेगा, आज नहीं पड़ रहा लेकिन आपके भविष्य में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम जानते हैं कि शुक्राणु बनते कैसे हैं। तो पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनने के लिए टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं ना, वो पुरुषों में यानी मेल में जो प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज होती है ना लगभग 10 से 14 वर्ष की उम्र, जिस समय उनकी मूछें आना शुरू होती है, दाढ़ी आना शुरू होती है, उस समय ना उनका स्पर्म काउंट, जो स्पर्म का काउंट है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। अब यही जो हार्मोन है ना, जो पुरुष में शुक्राणु की संख्या है ना वो बढ़ाता है। किस एज में बढ़ाता है, जो पीक लेवल होता है ना वो होता है लगभग 20 से लेकर 27-28 वर्ष तक। उस समय ना इसकी जो मात्रा होती है, स्पर्म काउंट बढ़ाने की मात्रा, वो मैक्सिमम होती है। अब क्या होगा, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना बने तो स्पर्म काउंट भी नहीं बनेगा, प्रॉपर स्पर्म काउंट नहीं बनेगा तो क्या होगा, कई सारी दिक्कतें आएगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी दिक्कतें होगी। अब ऐसे में क्या करते हैं पुरुष की टैबलेट लेते हैं इसकी। इसकी मार्केट में कई सारी टैबलेट्स हैं जो पीनिस इरेक्ट करने में काम आती है, लंबे टाइम तक रहती है इरेक्ट, और कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो मेनली कौन कौन सी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से है पहली वियाग्रा, सिल्डेनाफाइल, टिडेनाफाइल। ये जो तीनों टैबलेट्स है ना, ये मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। अब जो वियाग्रा टैबलेट है ना, उस वो काम करती कैसे है, कैसे वो सेक्सुअल टाइम पीरियड को बढ़ाती है, तो वो काम कैसे करती है, जब वो बॉडी में जाती है ना उससे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है ना तो इरेक्शन, जब पीनस में इरेक्शन आता है ना वो लंबे समय तक रहता है। तो ये इस तरह से प्रोसेस रहता है, इस तरह से ये काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों हार्मोन रिलीज नहीं होते, क्यों पुरुषों में स्पर्म काउंट की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा कई फैक्टर्स देखे गए हैं। सबसे पहला होता है एज फैक्टर, यानी 30 से 40 वर्ष के बाद ना ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना वो स्पर्म काउंट रिलीज करना कम कर देते हैं, यानी धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ती रहती है। 10 साल के बाद में इनकी मात्रा बढ़नी शुरू हुई थी, जो लगभग 20 से 30 वर्ष तक मैक्सिमम रहती है, 30 वर्ष के बाद में धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एज फैक्टर मैटर करता है। उसके बाद में है पुरुष का मोटा होना, अत्यधिक अगर फैट है बॉडी में डिपोजिट तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर कई बार क्या होता है, किसी भी काम को लेके, किसी भी वर्क प्लेस की वजह से, फाइनेंशियली या किसी भी रीजन से स्ट्रेस वाला एनवायरमेंट है, बार बार टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो भी ये दिक्कत आती है। प्रॉपर स्लीप नहीं है, अच्छे से आप नहीं सोते हैं तो भी देखा गया है कि शुक्राणु की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, सेक्सुअल लाइफ में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ ही अगर कोई भी पर्सन, यानी कोई भी पुरुष अल्कोहलिक है, स्मोक ज़्यादा करता है, तो भी इसका इफेक्ट शुक्राणु की संख्या पर देखा गया है। तो ये सारे जो है ना, ये बेसिक रीजंस है। इसके अलावा कोई पुरुष लीवर की टैबलेट ले रहा है, थायराइड की टैबलेट ले रहा है, ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहा है, किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यूटीआई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कुछ भी कोई दिक्कत है, उसकी टैबलेट्स लंबे समय से ले रहा है, तो उसका भी साइड इफेक्ट देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है वो धीरे 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 कम होता रहता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाजार में इस समय ना ये जो टैबलेट्स है ना स्पर्म का, जो सेक्सुअल लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए या सेक्सुअल टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, ये इतनी ज़्यादा पता है कॉमन क्यों है। सबसे पहला रीज़न है कि ये ना मार्केट में बहुत ही कम रेट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिससे ये लोग सोचते हैं कि ठीक है सेक्सुअल टाइम जो है वो इन्जॉय करेंगे, काफ़ी लंबा समय रहेगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम आज नहीं है लेकिन कल भुगतना पड़ सकता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स है ना, आप अगर गूगल पर जाके चेक करते हैं ना तो इतने ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें से बहुत कॉमन जो साइड इफेक्ट है ना वो है प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में 40 वर्ष के बाद में प्रोस्टेट कैंसर
जो देखा गया है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब उसका एक रीज़न ये भी है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की कोई भी टैबलेट आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे किसी भी तरह का कोई भी टैबलेट लेने से पहले आप 10 बार सोचें। ये टैबलेट आपकी बॉडी में कई तरह से इफेक्ट कर सकती हैं। देखो जैसे प्रोस्टेट कैंसर है ना, इसके अलावा जो बहुत कॉमन जो सिम्टम्स देखे गए हैं, बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, वो है आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में वीकनेस आ जाती है, कई बार ना सीने में जलन होने लग जाती है, बहुत इरिटेटिंग सा महसूस होता है, थकावट बहुत फील होती है, चक्कर आने लग जाते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स ही है, कहते बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। लेकिन जो भविष्य में होने वाला खतरा है प्रोस्टेट कैंसर का, उससे अगर आपको बचना है तो इन टैबलेट्स का सेवन नहीं करना है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, यौन संबंधित कोई रोग है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई दिक्कत आ रही है, तो ये जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर कीजिए, इस पर आप जानकारी लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम।